तलबिया की गुंज में तेलंगाना के आजमीन हज का आज पहला काफिला रवाना हुआ। हज हाउस नामपल्ली से आज 373 आजमीन को विदा किया गया। 2 साल के वक्फे के बाद तेलंगाना स्टेट हज हाउस में हज 2022 की सरगर्मियां बहाल हो गई। तलबिया की गुंज और दुआओं के दरमियान तेलंगाना के 373 आजमीन हज पर मुश्तमिल पहला काफिला आज सुबह 6 बजे राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद से अर्ज मुकद्दस के लिए रवाना हो गया, जहां से सऊदी एयरलाइन से मुकद्दस सफर के लिए रवाना आजमीन के काफिले में हैदराबाद से 214 का ताल्लुक है, 16 का जिला मेदक से, 44 का जिला नलगुंडे से, 2 का जिला संगारेड्डी से, 16 का जिला सिद्दीपेट से और 71 का ताल्लुक मेलचल मलकाजगिरी से है। पीर की सुबह आजमीन हज का पहला काफिला हज हाउस नामपल्ली से शमशाबाद एयरपोर्ट के लिए खुसूसी बसों से रवाना हुआ। फिर सुबह की 6 बजे राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद से पहले काफिले के 373 आजमीन सऊदी अरब के लिए रवाना हो गए। सदर नशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी सलीम की निगरानी में बेहतरीन इंतजाम किए गए। वाजरे के इस साल रियासत तेलंगाना से फरीज हज की अदायगी के लिए 1822 आजमीन अर्ज मुकदस का सफर करेंगे। पेश है इस खसूस में हज हाउस नामपल्ली के रूप परवर मनाजिर। ब्यूरो रिपोर्ट siyasat.com। Point. I visited 7. Today morning I reached Hyderabad Hajj camp. I am so happy. All arrangements are good. I personally congratulate and appreciate State Hajj Committee and their team. You all know the last 2 years Hajj has not been performed due to corona mahamari. जैसे वहाँ पर कोविड प्रोटोकॉल के किस तरह से वहाँ पर इंतजाम किए गए, आप इसके बारे में बताइए। Under leadership of Narendra Modi ji and Mukhtar Abbas Naqvi ji, I am assure you we will provide best service in Mecca and Medina. Medina, our accommodation organized inside the Markaziya, which means very near to Medina Mosque. Hajis here, Azan, they can reach before Iqamat in Mosque. Inshallah, I am very happy. I request all of you, your prayer for all Hajis.